सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज है संडे, तो कुछ ऐसा खास करने का मन भी नहीं है। तो अभी फ़िलहाल थोड़ा सा चलते हैं। अभी वैसे लंच टाइम हो रहा है, लंच वगैरह कर लिया है। दिल कर नहीं रहा है, दिल कर रहा है लेटने का ही। पर चलिए, थोड़ा कल बेटे को स्कूल छोड़ने भी जाना है, काम वगैरह भी करना है, करना ही पड़ेगा। तो अब थोड़ा कोशिश करेंगे हिलने की। तो ये मेरा दोस्त मेरे साथ बैठा हुआ है, ये मेरा फ्रेंड हमेशा मेरे साथ ही बैठता है, सोता है, खाता है, जो भी है इसको साथ ही करना है। इस टाइम भी पता नहीं क्या सो रहा है, बस बैठा है। थोड़ा बहुत ऐसे लगे हुए थे बस। बाकी अब करते हैं अपने दिन को शुरुआत करते हैं दिन की। अब जो भी है, थोड़ा गाड़ियों को सेट करते हैं कल के लिए, खुद को करते हैं, और बाकी चलते हैं। अब घर से बाहर लंच हो चुका है, क्या आज खाया था मैंने, पुलाव जैसा मिक्स वेज का पुलाव। पुलाव मीन्स जो चावल के साथ मिक्स हो के सारी वेजिटेबल्स को मिक्स करके चावल में वो खाया था। तो अभी फ्रेश होते हैं, फ्रेश भी नहीं हुए, फ्रेश होते हैं, उसके बाद चलते हैं थोड़ा बाहर, गेड़ी गुड़ी मार के आते हैं एक आधी, देखते हैं बाइक पे कार पे जिस पे दिल करेगा जाके आते हैं। तो मिलते हैं आपको बाहर। मम्मी नहला दिया उसको, तो खुद भी ना ले देखो क्यों पंगा लिया फिर? हैं, बनाने लेकर रहूँ उसकी कहाँ चलो घूमने? मैं तो जा रहा हूँ, मैं तो जा मम्मी रहा हूँ। को एक लंगर को ले जाओ, इसको नहीं सारे कहाँ? चलेंगे, चलो इसको भी डाल लेंगे। नहीं इसको वो नहीं, तो क्यों इसको आप नहीं ही लेके रख के जाएगी लेके दादी? जाओ, जो तो मैं आ रही घर पे रह लेंगे, ठीक है तू कहाँ जाओगे ये तो बताओ। गाड़ी अच्छा, आपको चला लेनी चाहिए मम्मी। हैं, चलो भाई मुंह तो धो ले, आपको सीख ब्लूटूथ लेनी चाहिए। अच्छा, के ऊपर कितनी चल रही थी, लग रही है आधा निकल भाग, नहीं तो चला तो बापू मैं ने सोचा होगा अभी उस वाला टाइम चला, कि अब इसको सिखाऊंगा तो निकल लेगी ये, इसलिए मेरे को तो सिखा दी थी। गाइस रेडी हो गए हैं, चल पड़े हैं। थोड़ा कुछ काम हो गया था, मैडम भी चल पड़ी था। मैडम भी आ गया। हेलो मैडम, जा रहे हैं पहले मंदिर के दर्शन। चलो चलो बोले ना। तो गाइस, वैसे तो हम हैं पहाड़ी, पहाड़ में रहने वाले पहाड़ी हुए, बट चलने की तो थोड़ी भी आदत नहीं है। थोड़ा सा भी चलते हैं तो सांस, देखा ही होगा आपने मेरी कई वीडियोस में, बल्कि शिमला में भी फ्लैट है तो वहाँ कम से कम 140-160 स्टेयर्स है। तो जब उसको चढ़ के आते हैं ना, तो बस फिर दिन में तारे दिख जाते हैं। तो यहाँ तो फिर ऐसा है, कितनी है, 20 स्टेयर्स है, 25। उसमें सांस अब बस निकलने ही वाला है। तो आदत वक्त के साथ साथ हो ही जाता है। पहुंच गए हैं, बैठ गए हैं गाड़ी में, सांस अभी आधा ऊपर है आधा नीचे। अब थोड़ा सा करते हैं कोल्ड स्टार्ट। मैडम भी इस गाड़ी है, ये मेरी पर्सनली है, मतलब शुरू से पर्सनल ही है। तो जब से मैंने मॉडिफाई कराई,
इन लोगों को थोड़ी शर्म आती है, तो अब हमार को तो शौक है बचपन से ही, मतलब जब 12 तो नहीं 14-15 साल तो शौक था गाड़ी चलानी, तो पहले ही सीख ली थी, तो उसके बाद से फिर सपना अब जब एक बच्चा हो गया तो पूरा किया। बाकी गाड़ी तो चलिए थी पर ऐसी नहीं थी जैसी चाहिए थी, तो चलिए अब कॉल स्टार्ट करी है, उसके बाद मिलते हैं सड़क पे। तो अभी हम पहुंच चुके हैं बाईपास पास मेन हाईवे जो कि जाता है चंडीगढ़ दिल्ली, वहां पहुंच गए हैं। मैडम को थोड़ी प्यास लग गई थी, गाड़ी ज़रा गंदी है शीशे से बाहर दिख नहीं रहा, तो मैडम को प्यास लग गई थी, तो मैडम अब हमारी थोड़ी हाई फाई है, वो पानी भी ऐसा महंगा ही पीती हैं, तो इसलिए फिर वो अब वो 100 रुपीज़ का शुगर केन का जूस उन्होंने प्रेफर किया है पीना, तो वैसे मैडम इतने में खुश भी हो जाती है, ऐसा भी नहीं है कि ज़्यादा ही खर्चा करना पड़ेगा, 50,000 लाख 100 रुपये में भी खुश हो जाती है जो प्यार से पिला दें। तो बाकी अब पीते हैं और फिर अब और कुछ फरमाइश होगी हमारे मैडम की तो वो देखेंगे, नहीं तो फिर वापिस चलेंगे यू टर्न लेके घर की ओर। ये आ चुका है हमारा 50 रुपीज़ का शुगर केन का जूस, मैडम का भी आ चुका। तो हम पहुंच चुके हैं माल रोड, यहाँ माल रोड पे गाड़ी चलानी तो बहुत डिफिकल्ट काम है, बिकॉज आज जैसे कि संडे है तो लोगों ने अपने बाप की सड़क, एक गंजे अंकल ने देखो अपने बाप की सड़क समझिए, और गंजे अंकल हट जा, और अगर से थोड़ा सा भी इनको टच हो गई तो गलती तो भैया गाड़ी वाले की है, अंकल ने तो सड़क का पता नहीं टैक्स टुक्स बहुत भर रखा है शायद। अब ये देखो भैया जी थूक भी बीच में ही रहे हैं, ऐसे ऐसे लोगों ने बीमारियां ज़्यादा फैलाई हैं। वैसे ये जैगवार आ चुकी है हमारे शहर में, जो ये लोग होते हैं ना ये सड़क पे थूक देंगे, ये वैसे बहुत इलिटरेट लोग हैं वैसे। हाँ अंकल, ये यहाँ ड्राइविंग सेंस लोगों की इतनी बढ़िया है ना कि नॉर्मल बंदा यहाँ गाड़ी नहीं चला सकता, सिर्फ जैसे हम हैं अब हाइपर रहते हैं हर टाइम, तो वो ही लोग गाड़ी चला सकते हैं, बाकी नॉर्मल। तो अब ये माल रोड की गेड़ी भी हमने मार ली है, शायद धूप में अच्छी तरह दिख नहीं रहा होगा, यहाँ पर शोरूम्स हैं सोनी सैमसंग, पर सामान लेटेस्ट नहीं मिलेगा आपको, शोरूम है ये कहने को, और आपको 2 साल पुराना सामान भी यहाँ उसी रेट पे मिलेगा जो करंट रेट चल रहा होगा ना। मान लीजिए iPhone 13 लेना है, तो iPhone 13 लेना तो भूल जाइए, बिकॉज मैं भी अभी तक लाइन में लगा हूँ, तो iPhone वालों के पास शायद मेरे को लगता है वो साल हो रहा है अब उसको, तो वही iPhone 13 Pro पड़ा हुआ है, किसी ने मंगवाया हुआ था वो, तो जब उस बंदे ने नहीं लिया तो मेरे भी दिल में आ गई, मैं कहा मैं क्यों लूँ भाई, जब उस बंदे ने ही नहीं लिया, मैं कहा मेरे को नया मंगा दे, तो नया वो साल अब देखिए iPhone 14 आने वाला है, पर वो नहीं आया, तो इसलिए यहाँ से वैसे चीज़ लेके भी फ़ायदा नहीं है। अब कुछ लोगों को तो यही सूटेबल है तो वो तो लेंगे, अब हम तो बाहर जाके ले सकते हैं तो भैया हम तो बाहर ही लेंगे, यहाँ कैफ़े हैं, यहाँ खाने पीने के लिए अच्छा है, बहुत सारे रेस्टोरेंट हैं कैफ़े हैं, बैठ जाइए आप, टशन टशन मारिए। अब हमारे साथ तुम इसी से तो ज़रा टशन मारना थोड़ा कम हुआ हमारा। और ये है यहाँ का ऑटो स्टैंड, यहाँ ऑटो खड़े होते हैं, आप चाहे स्पेशल ऑटो लीजिए चाहे 10-10 रुपए में जाइए कहीं, वैसा भी चलता है। और ये है राजगढ़ वाली सड़क सिरमौर राजगढ़, बहुत बड़ा एक गुरुद्वारा है
सिखों का, बड़ू साहिब नाम से। अब मैडम जी ने थोड़ा यहाँ से प्लांट का पूछना है। मैडम को बहुत प्लांट्स का शौक है तो प्लांट्स ले रही है, बल्कि अभी मम्मी भी लाई थी, पता नहीं 3-4 खरीद ले। तो चलिए अच्छी बात है, प्लांट्स वहाँ को ऑक्सीजन देते हैं। और वैसे भी यहाँ पर 4 लेन बनी सड़क, बहुत सारे लाखों पेड़ कट गए बहुत ही क्वांटिटी में, तो इसलिए चलिए अब हम सड़क पे तो नहीं लगा सकते, बट चलिए अपने घर में तो लगा ही सकते हैं, तो इसलिए लगा लेते हैं 2-4। ये तो शुक्र है आज संडे है, इसलिए अभी मैं बीच सड़क में गाड़ी, बीच सड़क में तो नहीं मतलब साइड में सड़क में गाड़ी लगाई हुई है मैंने। बाकी तो अगर जो तो वर्किंग डे हो यहाँ पर तो बहुत बुरे हाल है। वैसे ही हाल शिमला में है अब, नहीं तो किसी टाइम ऐसा था शिमला में कि कहाँ यार 2-4 गाड़ियाँ। जिस टाइम मैंने गाड़ी चलानी सीखी थी 2001-2 की बात है, तो पहुँच चुके हैं पार्किंग में। पार्किंग ना एक्चुअली है बेसमेंट में, इसलिए यहाँ लाइट है कम। वैसे तो लाइट तो लगी तो है बट गाड़ियों के लिए सफिशेंट है, वीडियो बनाने के लिए हमारे यूट्यूबर्स के लिए थोड़ा दिक्कत वाली बात है। तो अब पहुँच गए हैं, चलते हैं घर, कुछ स्पेशल लाए हैं, खाएंगे फिर आपको दिखाएंगे कि क्या स्पेशल है। तब तक के लिए बाय बाय। ये खड़ी है मेरी सबसे प्यारी, और इसके साथ ये भी मेरा प्यारा खड़ा है।